आप देख रहे हैं वैदिक टीवी, राधे राधे। मेरा नाम है मेघा, स्वागत है आप सभी का। जल्द ही पलटने वाली है इन चार राशियों की किस्मत, मिलेगा खूब सारा पैसा। क्या आपकी राशि इनमें आती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक हर ग्रह एक निश्चित समय अंतराल के लिए राशि परिवर्तन करता है, जिसका असर राशि चक्र की सभी राशियों पर रहता है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, इन सब के कारक हैं शुक्र। ये 2 अक्टूबर को सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं, अब ये 3 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आपको बताते हैं ऐसी कौन सी राशि है जिन पर शुक्र की कृपा होने वाली है। पहले बात कर लेते हैं कन्या राशि की। शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश कन्या राशि के लिए बेहद अच्छा साबित होगा। शुक्रदेव की कृपा से 3 नवंबर के बाद का समय कन्या राशि वालों के बिजनेस में खूब फायदा देगा। इस दौरान कई दूसरी जगहों से भी पैसे के आगमन की प्रबल संभावना बनती दिख रही है। ऐश्वर्य से साधनों में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कारोबार में भरपूर तरक्की होगी, वैवाहिक जीवन में शांति होगी। लव लाइफ के लिए कन्या राशि वालों का ये समय बेहद अच्छा है। मकर राशि। शुक्र का कन्या राशि में जाना मकर राशि के लिए भी वरदान है। 4 नवंबर से शुक्रदेव की विशेष कृपा होगी इस राशि पर। धन लाभ के कई योग बनेंगे, नौकरी और व्यापार में जबरदस्त प्रमोशन मिल सकता है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सुख के साधनों में विस्तार होगा, यानी आप ऐसी चीजें खरीद पाएंगे जिनसे आपकी जिंदगी में तरक्की हो। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो खुशहाल रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली राशि पर, वो राशि कौन सी है, वृश्चिक राशि। शुक्र का गोचर वृश्चिक वालों के लिए भी बहुत शुभदायी है। 4 नवंबर के बाद स्वर्णिम साबित होगा, इस दौरान बिजनेस में खूब फायदा होगा, आमदनी में दिन रात बढ़ोतरी होगी। जो लोग शादी करना चाहते हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। प्रेम विवाह के भी योग हो सकते हैं वृश्चिक वालों। बिजनेस रुका हुआ है तो वो चलने लगेगा, कहीं पैसा फंसा था तो वो वापस आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। जी हाँ, शुक्र का कन्या राशि में जाना वृषभ वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। खास करके 4 नवंबर का समय इस राशि के लिए एकदम वरदान है। अचानक से कहीं से बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बिजनेस में कोई पैसा लगाया है तो उससे मुनाफा आने लगेगा। कोई यात्रा भी हो सकती है। इसके साथ ही व्यापार में खूब ज़्यादा पैसा बनने लगेगा, बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा, शादीशुदा जीवन में भी खूब खुशहाली आएगी। अपने पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हैं। कुल मिलाकर शुक्र का ये गोचर वृषभ वालों के लिए भी बहुत फायदा देने वाला है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी इन चारों में से कौन सी राशि है। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई जा रही है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। राधे राधे।